हेलो, किधर हो? घर पे हो तो आजाद नगर मिले, फिर आजाद नगर मिले। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, मैं बाइक से फिर मैं आपके घर पे आता हूँ, वीरा देसाई। कोर्टयार्ड देखा हुआ है? अच्छा, एमवीएम स्कूल साइड, एमवीएम स्कूल। हाँ ठीक है, मैं वहाँ पे आके मैं आपको कॉल करता हूँ फिर। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ फिर आपको। ओके चलेगा। तो मैं इंद्र देवता का तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी। अगर बारिश नहीं होती तो 4-5 दिन में हमारी फसल ख़राब भी हो जाती। तो अगेन मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन में बारिश बहुत अच्छी हुई है। तो थैंक यू सो मच इंद्र देवता भगवान कि आपकी हमारे गांव पर मेहरबानी हुई, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने परेशान हो चुके थे कि बहुत ज़्यादा, और फसल सूखने भी लग गई थी। तो थैंक यू सो मच, लव यू। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकेत, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आज का प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूं शिरडी, और राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 7:10 समथिंग हो रहा होगा, और अभी मुझे जाना है एक फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे जो गोप्रो है उसका मुझे चाहिए बॉडी, और ट्राईपॉड वगैरह तो सब कुछ है, और मैंने पूरा सामान भी रेडी कर लिया है। तो चलिए फिर आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। मुंबई और शिरडी की जो जर्नी है मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मेरी रात को बस है 10 बजे, और रात के टाइम पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, तो हो सका तो मैं बस में शूट करने की कोशिश करूँगा। मैं ट्राई करूँगा, मुझसे जितना होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी, अगर जितना होता है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और मुंबई से शिरडी का रास्ता जो है वो है 7-8 घंटे का, और मुझे कल मॉर्निंग में वो छोड़ेगी 6 बजे बस स्टॉप पे। तो बेसिकली मैं जा रहा हूँ शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे कभी गया भी हूँ, और मेरी बहुत दिनों से मेरी ये इच्छा थी कि मैं साईं बाबा के दर्शन करके आऊँ, जो कि मुंबई से पास में ही 7-8 घंटे का रास्ता है। तो फिर मैंने अभी 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था कि मैं जाऊँ, बट आज मुझे टाइम मिला है, तो फाइनली मैंने टिकट बुक की और फाइनली आज निकल भी रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मैं शिरडी जा रहा हूँ सिर्फ 1 दिन के लिए, तो मैं ज़्यादा कपड़ा ले जाके भी क्या करूँगा, क्योंकि मुझे 1 दिन वहाँ पे स्टे करना है। तो मैं लेके जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक टी शर्ट और ये बनियान, देन ये हमारा रहा छोटा सा टॉवेल, क्योंकि नाइट में जाना है और नाइट को भी वापस आना है। और देन ये रहे हमारे कोलगेट, जो कि हमें यहाँ पे रखना चाहिए, कोलगेट और ब्रश। और देन हमारा इधर रहा लैपटॉप चार्ज, ये रहा हमारा लैपटॉप, ये रहा हमारा पावर बैंक, ये रहा हमारा मोबाइल। सो जल्दी जल्दी सामान रखते हैं और देन निकलते हैं, बिकॉज लेट हो रहे हैं। भगवान करे कोई लड़की मिल जाए, इधर भी लड़की नहीं है।
इधर भी लड़की नहीं है, आगे देखता हूँ, आगे तो मिलेगी। हाँ एक काम करता हूँ, यहीं पे बैठ जाता हूँ। तो फाइनली मैं अपनी सीट पर आकर बैठ चुका हूँ और अभी राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 11:15 जैसे कि आप देख सकते हैं, और मुझे आ रही बहुत ही जोरों से नींद। एक मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, एक मन कर रहा है कि मैं ना सोऊँ। सेकंड चीज है मैं सोऊँगा इसलिए नहीं, मुझे नींद भी आ रही है बट सोऊँगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। मैंने 4 बजे खाना खाया था, उसके बाद मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया है, तो मुझे खाना खाना है, उसके बाद मैं सो जाऊँ। और मैं इतना आज मैं इतना टायर्ड हूँ बिकॉज मैं कल रात को भी सो नहीं पाया था क्योंकि कल रात मैंने 4 बजे तक एडिटिंग की, उसके बाद फिर मैं सोया, तो मैं 4 बजे सोया, तो उसके बाद फिर मैं वापस से 8:30 बजे उठ गया था क्योंकि मुझे आज सीढ़ी के लिए मुझे पैकिंग करना था, मुझे 3-4 लोगों से मिलना भी था, तो आज सुबह समय बहुत बिजी था। अभी शायद आधे घंटे बाद बस रुकेगी, उसके बाद खाना वाना खा के मैं एकदम मस्त सो जाऊंगा, देन फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। ऊपर This is my room. This one. चाय भेजने हैं आपको? हाँ, एक चाय भिजवा दीजिए। This is a bathroom. बहुत ही गंदा बाथरूम है बट अच्छा है, लाइट नहीं है। रूम तो अच्छा है, बेड। मुंबई से जो बस आती है वो एक होटल को वहाँ पर ड्रॉप करती है, उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस साईं मंदिर का 10 से 15 मिनट है। इसके अलावा अगर आपको फ्रेश वगैरह अगर होना है तो जब आप उतरते हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि 1 घंटे के लिए आपको रूम बुक कर लीजिए, आपको लोकर मिलेगा, साईं बाबा के मंदिर तक हम आपको ड्रॉप करेंगे, तो बहुत अच्छा है वैसे वो। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे कि जब मैं बस से उतरा था तो वहाँ पर प्राइस थी 100 रुपये की, कि 1 घंटे के लिए आपको रूम मिलेगा और 100 रुपये दे देना और फ्रेश हो जाना, मोबाइल चार्ज कर लेना, हम आपको ऑटो से ड्रॉप कर देंगे मंदिर। जैसे मैं आगे आया तो मेरे को पता चला कि यार इसकी प्राइस तो और भी कम होती जा रही है। अभी मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ वो है 1 घंटे के लिए और 30 रुपये में मैं यहाँ पे फ्रेश हो जाऊँगा और मोबाइल चार्ज कर लूँगा, लैपटॉप चार्ज कर लूँगा, कैमरा चार्ज कर लूँगा, सब चार्ज कर लूँगा और मैं फ्रेश भी हो जाऊँगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मात्र 30 रुपये यहाँ से मेरी होटल के पास से वॉकिंग डिस्टेंस मंदिर का है मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट का, मतलब बाजू में ही है। तो और राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 6:19 जैसे कि आप देख सकते हैं। और रात को मैंने आपको बताया था कि मैं खाना खाऊंगा, अभी 1:30 बजे बस रुकने वाली है और मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। बट मैं काम करते करते
मैं काम करते करते मैं सो गया, और मुझे जब मैं सुबह मेरी नींद खुली तो मुझे पता चला कि सीढ़ी आ गया है भाई। होटल का भी अच्छा है, 1 घंटे के लिए तो लिया है, इतना भी ज़्यादा औसम नहीं है कि ओ माय गॉड, बट ओके अच्छा है, फ्रेश होने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए जल्दी फटाफट फ्रेश होते हैं और निकलते हैं दर्शन करने के लिए। और बाय द वे मंदिर में ना मोबाइल अलाउड है ना कैमरा अलाउड है, ये सब मुझे लॉकर में रख के जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, जर्नी स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो पहुँच गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना लेट Yes. भैया गेट लगा दो। हाँ? गेट लगा दो। क्या? गेट लगा दो। सस्ती होटल का यही होता है। आधे घंटे से मैंने चाय मंगवाई थी, मैंने कहा चाय ला के दे दे, आधे घंटे से ऊपर हुआ और अब जाके चाय लेके आया। तो फाइनली अपना टाइम आ चुका है होटल से चेकआउट करने का, तो फिर चलते हैं। सबसे पहले होटल वाले के पैसे देते हैं और दे दो। कितना हुआ? 30 रुपये का। कितने? 30 रुपये हो? 30 रुपये 10 रुपये चाय। और यहाँ से मंदिर कितना दूर है? चलिए चलते हैं फिर। इधर लोकर है। तो मोबाइल बैग वगैरह सब कुछ इधर, कैमरा वगैरह सब इधर रखा, मोबाइल। तो अभी हम बैग मोबाइल कैमरा सब कुछ यहाँ पे रखते हैं। होटल के बाजू में यहाँ पे लॉकर है, वहाँ पे सब कुछ रखने के बाद इधर सामने मंदिर है, वॉकिंग डिस्टेंस से 2 मिनट। चलिए फिर सामान रख के फिर मंदिर की ओर निकलते हैं, बट मैं पूरा दिखा नहीं पाऊँगा। होटल से चेकआउट करने के बाद मैं मंदिर की साइड गया, मैंने हाथ फूल लिए, प्रसाद ली थी साईं बाबा के लिए, और जिस रास्ते से मैं गया था। तो चलिए हम चलते हैं साईं बाबा के मंदिर की साइड, और मैं आपको बताता हूँ गेट फर्स्ट गेट 4 ये गेट नंबर है क्या एक्चुअली में। तो चलिए हम उस रास्ते से भी गुजरते हैं। जस्ट सामने देख रहे होंगे ये साईं बाबा मंदिर है, ये पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये साईं बाबा मंदिर है। इससे आगे था जब हम इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, इधर से आएगा गेट नंबर फर्स्ट, यहाँ से पुरुष आप इधर देख सकते हैं, ये पुरुष और महिला, यहाँ से पुरुष की एंट्री होती है, यहाँ से महिलाओं की एंट्री होती है। मोबाइल कैमरा लॉकर, यहाँ पे बैग वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं, मोबाइल भी रख सकते हैं, और ये मुफ्त चप्पल स्टैंड, यहाँ पे चप्पल वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आप होटल में नहीं जा रहे हो तो आप यहाँ पर इन स्टैंड पर रख सकते हो। देन हम यहाँ से इधर जाने के बाद ये गेट नंबर 4 है, जो कि यहाँ से हमें बाहर निकलना है। यहाँ से आगे जाने के बाद राइट साइड में गेट नंबर 1 आएगा। गेट नंबर 1 पे जाने के बाद आपको ऐसा पास मिलेगा, आपको ये पास लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपके पास मेरे पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप अपने बैगेज, अगर आपको पता नहीं है कि मोबाइल मैं रख लेता हूँ और बैग यहीं पे रख लेता हूँ, अगर आपके पास में मोबाइल हो और आप अपने पास ले लिया
ठीक है, ये पास ले लिया। देन आप अंदर जहाँ से एंट्री करोगे वहाँ पे मोबाइल चेक होगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो अंदर भी एक स्टैंड बना हुआ है जहाँ एक लॉकर है जहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हो, बट ये पास लेना बहुत ज़रूरी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं इस पास का। इधर भी एग्जिट होने का ये दरवाज़ा है, आप यहाँ से भी गेट नंबर 5 आप यहाँ से भी बाहर हो सकते हैं, बट अभी ये बंद है। देन वहाँ से पुरुष महिला जहाँ से एंट्री हो रही थी वहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो। देन ये हाईवे है, आप इधर देखो, ये हाईवे है, मेन हाईवे रोड है ये, और यहाँ से भी आप एंट्री है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो। फोन कैमरा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नॉट अलाउड, यहाँ पर ये चीज़ें अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आपको बाहर लोकर नहीं रखना पड़ेगा। जूते चप्पल वाली स्टैंड है, ये भी एक दरवाज़ा है, आप जैसे इधर देख सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, आप ऐसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से सीधे जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक रास्ता गया हुआ है जो गेट नंबर 5 पे जाता है, वहाँ से आपको ये रसीद मिलेगी, आप वहाँ से रसीद मिलेगी जिसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये दे दीजिए, गेट भी लगा रहे हैं ना, वो अंदर का देंगे ना, पैक कर देंगे। अच्छा, हाँ हाँ, अगर आपको मूर्ति खरीदनी है साईं बाबा की तो आप ऐसे आप खरीद सकते हैं, ये भी जो गेट नंबर 5 के बाहर खड़े रहते हैं, बहुत ही सस्ती सुंदर है। दर्शन भी हो गए, दर्शन करने के बाद तो इतना सुकून मिलता है। और बैक टू मुंबई, और ये मैंने टिकट भी करवा लिया है जो कि नॉन एसी सीटर बस है, 200 रुपये की, और अभी मैं जा रहा हूँ फिर बस स्टैंड साइड, यहाँ पे मेरी बस मिलेगी, साईं राजा करके कोई बस है, वही सेम बस होगी शायद, साईं छत्र के वहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से मुझे राइट जाना है, इस साइड जाना है, बट अभी तो 11 बजे का बोला है कि 11 बजे यहाँ से बस निकल जाएगी और देन फिर बॉम्बे पहुँच जाएगी वो 5 या 6 बजे के समथिंग। तो मेरी बस भी आ गई है, मेरी बस सामने है, कृष्णा ट्रेवल्स 4031 और सीट नंबर 26। तीसरी लाइन ओके, 1 2 3 बोले तो ये आई थिंक ये देन, ये हमारा बैग इधर ओके। तो फाइनली मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ, कल से मैं ट्रेवल ही कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया और मैं रात को भी सही से सो नहीं पाया, तो मेरे को आ रही है नींद। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और घंटा भी लगा देना है। तो